अब जब आप चुनावी क्षेत्र में जाते हैं, जब आप पुणे में विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, तो आपको पब्लिक का, लोगों का किस तरह का रिस्पांस, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, पुणे में ये लोकसभा चुनाव का प्रचार लगभग एक महीने से अभी चल रहा है, और मैं खुद और बाकी सारे कार्यकर्ता भी बस्तियों में भी जा रहे हैं, गृह निर्माण सोसाइटीज में जो मध्यम वर्ग रहता है उनके पास भी जा रहे हैं, और सॉफ्टवेयर कंपनीज में जो लोग हैं उनके पास भी जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो रिक्शा व्यावसायिक है उनसे मिल रहे हैं, और जो हमारे व्यापारी भाई बहन हैं उनसे भी मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे आम आदमी पार्टी की यही एक खासियत है कि ऐसे सभी अलग अलग, जिनको हम क्लास के लोग बोलेंगे, ऐसे सभी लोगों से आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत ही उत्सुकता और एक सकारात्मक भरा प्रतिसाद हमें आज मिल रहा है। लगभग दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से ऐसा ही हुआ कि झुग्गी झोपड़िया और मध्यम वर्गीय गृह निर्माण सोसाइटीज के लोग, सभी जगह से आम आदमी पार्टी को प्रतिसाद मिला और एक अच्छी खासी कामयाबी मिली, लगभग वही प्रतिसाद यहाँ पर मिल रहा है। और यही एक आम आदमी पार्टी की खासियत है कि बिना जात या धर्म की राजनीति की है, बिना अस्मिता की राजनीति की है, ये अलग अलग व्यावसायिक लोगों को, अलग अलग क्लास के लोगों को एक साथ आम आदमी पार्टी के बारे में विश्वास लगने लगा है। वही प्रतिसाद मुझे पूना के अलग अलग बस्तियों से, पूना के अलग अलग गृह निर्माण सोसाइटियों से और सॉफ्टवेयर कंपनियों से, व्यापारी भाई बहनों से और रिक्शा व्यावसायिकों से, हमारे मुस्लिम भाई बहनों से और भी क्रिश्चियन भाई बहनों से, ऐसे सभी जाति धर्मों के लोगों से वही प्रतिसाद महसूस हो रहा है। एक बहुत अच्छा प्रतिसाद दिख रहा है।